Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Wings Ek Udaan. My name is Mehreen Saeed and I'm teaching you the chemistry part of JKSSB accounts assistant. Well, I would suggest if you are somebody new to this lecture, तो आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट खोलिएगा केमिस्ट्री का, जिसमें मेरे पुराने लेक्चर्स हैं. आप पहले लेक्चर से स्टार्ट करिए ताकि जो है आपको ये चीज़ें समझ आए. एंड देयर इज एक्चुअली वन मोर थिंग, फ्यू ऑफ यू हैव बीन टेलिंग मी दैट आई एम नॉट गिविंग यूर टाइम टू कैप्चर द स्क्रीन शॉट. आई एम सॉरी अबाउट इट. सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीन शॉट एंड वी विल स्टार्ट इट आफ्टरवर्ड्स. सो या, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, जिसमें हमने ये कहा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले बात की थी जॉन डाल्टन ने. और जॉन डाल्टन ने कहा था कि मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे एटम कहा जाता है. और एटम के बारे में उन्होंने ये कहा था कि एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल है और सबसे इंडिविजिबल पार्टिकल है. इंडिविजिबल मतलब जिसको फर्दर नहीं तोड़ सकते. बट बाद में जो उसके जो ये पोस्टुलेट्स थे ये गलत साबित किए गए जब हमारे पास डिस्कवरी हुई प्रोटॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की या न्यूट्रॉन्स की. हमने डिटेल में जो है इसको पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था. सो आज हमारा टॉपिक जो है उसके आगे रहेगा. हम जो है मास नंबर, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स वगैरह इन सब के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में जो है मोस्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, डेली लाइफ में कौन से आइसोटोप्स काम आते हैं, या किसी पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल दी जाएगी और उसके आइसोटोप्स पूछे जाएंगे. सो आज हमारा जो टॉपिक है, वेल ये स्टार्ट होगा एटॉमिक न्यूक्लियस से. एटॉमिक न्यूक्लियस जो है डिस्कवर किया था ई रदरफोर्ड ने. एटॉमिक न्यूक्लियस जो है वो ई रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था. तो हमारा पॉइंट है एटॉमिक न्यूक्लियस है क्या. बेसिकली ऐसा हुआ कि हमें पता चला कि एटम के अंदर जो है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है. लेकिन अब जो नेक्स्ट दिक्कत आई वो ये थी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, प्रोटॉन कहाँ पे रहता है और न्यूट्रॉन कहाँ पे रहता है. क्या ये आपस में साथ में रहते हैं, क्या किसी कोने में रहते हैं, क्या सेंटर में रहते हैं, कौन कहाँ पे रहता है, ये क्वेश्चंस आने लगे. सो देयर वाज दिस साइंटिस्ट ई रदरफोर्ड, जिन्होंने एक जो है एक्सपेरिमेंट किया. उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. आई रिपीट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया. गोल्ड आपको पता है एक एलिमेंट है, और फॉइल लिया उसका, एक थिन फॉइल लिया, और उस पर जो है अल्फा पार्टिकल्स को जो है बम्बार्ड करवाया. मतलब अल्फा पार्टिकल्स बहुत स्पीड में उस पर स्ट्राइक कर रहे थे. अब अल्फा पार्टिकल्स क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए. तो मैंने यहाँ पर लिखा है अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स को अल्फा को डिनोट करते हैं इससे, इस सिंबल से, इसे अल्फा पार्टिकल कहते हैं. और अल्फा पार्टिकल क्या है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये हीलियम का न्यूक्लियस है. यानी अगर आप हीलियम एटम के अंदर से दो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दो तो पीछे क्या बचेंगे, दो प्रोटॉन बचेंगे, दो न्यूट्रॉन बचेंगे. तो हमारा जो अल्फा पार्टिकल है ये बेसिकली HE2 पॉजिटिव चार्ज है. ये मैंने लिखा है यहाँ पे HE2 पॉजिटिव चार्ज, दैट इज ये हीलियम का न्यूक्लियस है. या मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हमारा जो अल्फा पार्टिकल है इसमें दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा. हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे चार्ज कोई नहीं होता है. सो इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, प्रोटॉन दो है, न्यूट्रॉन दो है, न्यूट्रॉन पे चार्ज है ही नहीं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है. कितने पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज. तो हमारे अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज. एक चीज़ आप डेली लाइफ में सुनते होंगे कि जो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, जो सेम चार्जेस होती हैं वो रिपेल करती हैं, दूर जाती हैं, टकरा के दूर जाती है, और जो हमारी अनलाइक चार्जेस है वो अट्रैक्ट होती है. तो ई रदरफोर्ड ने क्या किया, इसने जो अल्फा पार्टिकल्स लिए जिसके अंदर कौन से चार्ज थे, पॉजिटिव चार्ज था, इसने उनको स्ट्राइक करवाया गोल्ड फॉइल पे. गोल्ड फॉइल पे जब वो स्ट्राइक हुए, मतलब यहाँ से मान लो ये आपका गोल्ड फॉइल है, ये आपका एक गोल्ड फॉइल है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया और इस पर स्कैटर किया. एक्चुअली स्पेस नहीं है, अदरवाइज मैं आपको जो है यहाँ पर विद डायग्राम दिखाती कि कैसा होता है. ये जो आपका गोल्ड फॉइल है, यहाँ से एक जो है अल्फा पार्टिकल आया, वो स्ट्राइक किया, तो उसने देखा अल्फा पार्टिकल्स जो सेंटर में जाके पड़ रहे हैं वो वापस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो साइड में सेंटर के साइड में जाके जा रहे हैं वो थोड़ा सा इधर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और कुछ जो एज पे जा रहे हैं वो पास हो रहे हैं. तो उसने क्या बोला कि ऐसा कुछ है सेंटर में, सेंटर में एटम के सेंटर में गोल्ड हमारा जो था एज एन एलिमेंट था, और एलिमेंट के अंदर हमारे एटम्स हैं, तो उसने एज एटम ट्रीट किया और बोला कि हमारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जब मैंने एक एटम से इनको स्ट्राइक करवाया तो सेंटर से मेरे अल्फा पार्टिकल्स जो है वापस आ रहे हैं.
अब अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। जा कहाँ रहे हैं? एटम की तरफ। वहाँ से क्या हो रहा है? वापस आ रहे हैं। और अभी मैंने आपको बोला नेचर का लॉ है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो है अट्रैक्ट करता है। अगर ये जा रहा है और वापस आ रहा है, इसके पास खुद पॉजिटिव चार्ज है और ये वहाँ से रिपेल हो रहा है, तो उसका मतलब उसके पास कौन सा चार्ज होगा? सेंटर में कौन सा चार्ज है? यू गॉट इट राइट। सेंटर में जो है पॉजिटिव चार्ज है। तो मतलब हमारे पास जो सेंटर है, जिसको इन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया, उसके अंदर हमारे प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है और हमारा जो प्रोटॉन है वो सेंटर में जो है वो बिल्कुल सेंटर, एक सेंटर एटम के जो है सेंटर में पाया जाता है और उसी के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोटॉन्स के इर्द गिर्द जो है वो रोटेट कर रहे होते हैं, वो ऑर्बिटल सर्कुलर मोशंस में जो है वो रिपीट कर रहे होते हैं। सो आवर न्यूक्लियस, जो हमारा न्यूक्लियस है, ये हम एक एटम का मास, एटम का मास क्या होता है? द मास ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? अब हमारा एटम का सेंटर, और इस सेंटर के अंदर क्या होता है? इसके अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के अंदर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के अंदर चार्ज कौन सा है? जीरो। लेकिन प्रोटॉन का भी मास है और न्यूट्रॉन का भी मास है, तो हमारे जो एटम का मास नंबर है वो होता है सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी अगर आप कोई आपसे कोई पूछेगा कि मास नंबर क्या है किसी एटम का, तो उस एटम का मास नंबर रहेगा कि उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं। यानी मास नंबर से जो है आपका इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है, आपका मास नंबर जो है वो बिल्कुल डिपेंड रहता है प्रोटॉन्स पे एंड न्यूट्रॉन्स पे। सो ये था हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस। इसके बाद मैंने एक और हेडिंग डाली है वैलेंसी। वैलेंसी से पहले मैं आपको एक सिंपल चीज़ बोलती हूँ। दुनिया का एक कॉन्सेप्ट है, हर इंसान हर चीज़ को जो है स्टेबल होना। स्टेबिलिटी से क्या होता है कि हर लाइक वेदर इट्स लाइक जॉब, फाइनेंशियल, एजुकेशनल और करियर वाइज एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट स्टेबल। सो इट्स एक्चुअली द केस विद द एटम्स एंड द एलिमेंट्स एज वेल। जो एटम्स या एलिमेंट्स होते हैं वो भी अपनी जगह जो है स्टेबल होना चाहते हैं। लेकिन इनके लिए स्टेबिलिटी क्या है? अगर आपके लिए, मेरे लिए जॉब, पैसा ये सब स्टेबिलिटी है, घर मकान ये सब स्टेबिलिटी है, एटम के लिए स्टेबिलिटी क्या होती है? बेसिकली हमारे कुछ नोबल गैसेज हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। इनकी जो स्टेबिलिटी है वो इनके इलेक्ट्रॉन्स पे मानी जाती है कि इनकी लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं। अगर इनकी लास्ट शेल जो है वो उनकी जितनी इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, अगर वो फेल्ड है तो ये माना जाता है कि ये जो है वो स्टेबल है। हमारे पास जो स्टेबिलिटी का एग्जाम्पल है वो है सिर्फ नोबल गैसेस। जो नोबल गैसेस है उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है, बेसिकली केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है आपके आउटर मोस्ट शेल में, जो आपके एटम में आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो हमारे नोबल गैसेस हैं जो उनमें आउटर मोस्ट शेल है वो पूरी फील्ड होती है इलेक्ट्रॉन से। इसीलिए हमारे नोबल गैसेस जो है वो प्रेफर नहीं करते हैं किसी के साथ भी जो है रिएक्ट करना। सो एक एटम के लिए स्टेबिलिटी इसके लिए क्या होगी? अगर हमसे पूछा जाए रिगार्डिंग स्टेबिलिटी, तो हम किसी ऐसी चीज़ की तरफ देखकर अपनी स्टेबिलिटी को डिफाइन करेंगे जो हमसे कहीं आगे होगा कि फॉर मी स्टेबिलिटी इज़ हैविंग दिस एंड दैट बिकॉज आई हैव सीन समबडी हैविंग दैट राइट। सो फॉर एटम्स स्टेबिलिटी इज इनको चाहिए कि इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स जो है उतने ही रहे जितने नोबल गैस के पास है। सो ये प्रेफर करते हैं इनके पास ऑक्टेट रहे, जो इनकी लास्ट शेल है उसमें एटलीस्ट जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स रहे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये अपने आप को स्टेबल मानते हैं। अगर नहीं है एटम के पास वो ऑक्टेट या लास्ट शेल इसकी फील्ड नहीं है, तो ये उसको बनाने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं या अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि इनकी जो है स्टेबिलिटी पूरी हो जाए। लेट मी टेल इट अगेन, हमारे पास एटम्स के लिए स्टेबिलिटी क्या है कि ये चाहते हैं इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट रहे, कैसे? जिस तरह हमारे नोबल गैसेस का है। और हमारे नोबल गैसेस जो है जब उनकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो फिल्ड होती है तो उनकी केमिकल रिएक्टिविटी ज़ीरो होती है और ऐसे में वो नेचर में स्टेबल होते हैं। लेकिन जो बाकी एटम्स हैं ये चाहते हैं ये भी उनकी तरह स्टेबल हो जाए, तो ये क्या करते हैं, इनके पास अगर मान लो ऑक्टेट, अगर इनको ऑक्टेट पाना है, अगर इनको लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन के लिए, तो ये क्या करेंगे, मान लो मैं एक एटम लेती हूँ जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो 7 से इसको 8 बनाना है ताकि ये जो नियरेस्ट नोबल गैस है इसका वो उसकी जो है स्टेबिलिटी पाले। तो ऐसे में ये क्या कर सकता है, क्या आपको लगता है 7 लूज कर दे या 1 गेन करके 8 बना ले? अगर आपको 8 रुपया चाहिए, 7 आपके पास है, 8 बनाने के लिए आप 1 लेना प्रेफर करोगे या 7 के साथ गवा दोगे? ऑब्वियसली यू विल प्रेफर 1 लेना। लेकिन अगर आपके पास 1 रुपया है, मीन्स अगर इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये 7 किसी और से मांग सकता है? कोई 7 देगा और 8 बनाने के लिए? नहीं देगा।
तो ये क्या करते हैं, ये अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं, कभी ये गेन करेंगे, कभी ये लूज करेंगे, या कभी ये शेयर करेंगे. सो एटम की वैलेंसी क्या है कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, लूज करता है या शेयर करता है, ताकि इसको जो है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन जो है वो ये अचीव कर सके. और हमारा जो ये वैलेंसी है यही डिसाइड करता है किसी एटम की जो है केमिकल रिएक्टिविटी कैसी है, यही डिसाइड करता है कि कोई एटम जो है वो रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, यही वैलेंसी डिसाइड करती है कि कोई भी एटम जो है वो नेचर में स्टेबल है या नहीं. सो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट एंड शेयर्ड सो एज टू मेक द ऑक्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंसी. जो कि मैंने आपको बोला, कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लूज करता है या शेयर करता है, ताकि ये जो अपना आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक ऑक्टेट बना सके या 8 इलेक्ट्रॉन्स बना सके या नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन पा सके, उसके लिए जो है वैलेंसी वही होती है. ऑलराइट, द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस. हमारे किसी एटम की जो है उसकी केमिकल रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने घूम रहे हैं. जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि हमारे सेंटर में, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और जो बाहर से हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो राउंड कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स राउंड करते हैं शेल्स में. कितने राउंड करते हैं? शेल्स. और जो हमारी सबसे लास्ट शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही डिसाइड करता है कि आपका जो एटम है वो रिएक्टिव है या नहीं है. An outermost shell which has 8 electrons is said to possess an octet. ऐसी outermost shell, कोई ऐसी outermost shell जिसकी last shell में जो है 8 electrons हो, उसे कहा जाता है कि इसके पास जो है octet है. Atoms would thus react so as to achieve an octet in the outermost shell. तो हमारे जो atoms हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो अपने जो आउटर मोस्ट शेल है उनकी, उसमें उनको 8 electrons मिल जाए. इस चीज़ के लिए वो गवाने के लिए भी तैयार होते हैं, वो पाने के लिए भी तैयार होते हैं, और वो शेयर करने के लिए भी तैयार है. उनको स्टेबिलिटी चाहिए, जैसे आपको और बाकी सब या मुझे सबको स्टेबिलिटी चाहिए, वैसे एटम्स में भी है. इनफैक्ट नेचर का रूल ही यही है, नेचर का रूल ये है कि यहाँ पे जिसको भी रहना है, इस यहाँ पे जिसको भी सर्वाइव करना है, उसे स्टेबल होना पड़ेगा. ऑलराइट, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या होता है? सबसे पहली बात, एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड से, कैपिटल जी. एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. हमारे पास जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, सो हमारा एटॉमिक नंबर जो है बेसिकली डिपेंड करता है प्रोटॉन्स पे. समटाइम्स इट्स लाइक समबडी वुड से यू एटॉमिक नंबर इज इधर अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज. कभी कभी एटम जो है इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, लूज भी करता है. ऐसे में अगर आप एटॉमिक नंबर को फिर इस चीज़ से डिफाइन करोगे तो वो गलत हो जाएगा. एटॉमिक नंबर क्या है? द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. हमने अभी बात की कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहता है, तो हमारा एटॉमिक नंबर जो है न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन है, वही हमारा जो है एटॉमिक नंबर है. इसके बाद है मास नंबर. मास नंबर अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लियर किया था कि किसी भी एटम की न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं. न्यूट्रॉन का चार्ज 0, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, लेकिन दोनों का मास है. तो किसी एटम का मास नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. मास नंबर इज डिफाइंड एज सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के सम को जो है न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं. ये प्लीज़ आप ऐसे पॉइंट्स जो है जो चीज़ें मैंने डिस्कस की है, जैसे प्रोटॉन का नंबर ही डिसाइड करता है हमारा एटॉमिक नंबर, या मास नंबर डिसाइड करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये सारे पॉइंट्स इन्हीं पे आपके JKSSB अकाउंट सिस्टम के जो है क्वेश्चंस MCQs बनेंगे. इससे ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता आपसे. इसके आगे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट्स हैं, आई डोंट थिंक वो आपसे पूछे जा सकते हैं. ये दिस इज़ वेरी बेसिक्स एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट. अगर आप ये चीज़ें करते हो, आई बिलीव सारे MCQs जो है वो कवर अप हो जाएंगे. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के सम को न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है. सो नोट इट डाउन, अगर आपसे कोई पूछा जाए एग्जाम में व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, और नीचे आपके पास ऑप्शन होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स ओनली, न्यूट्रॉन्स ओनली, नन ऑफ द अबव. सो यू नो द आंसर, न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स. ऑलराइट, नाउ इट्स आइसोटोप्स. ओके, आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स ये वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है. अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? एटॉमिक नंबर पढ़ चुके हैं, मास नंबर पढ़ चुके हैं, और डेफिनेशन क्या है? वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है और मास नंबर डिफरेंट रहता है. अगर एटॉमिक नंबर सेम रहता है, हमारा एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो मतलब अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे.
हमारा डिफरेंट क्या करता है आइसोटोप्स में, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, लेकिन प्रोटॉन तो सेम है दोनों में, तो डिफरेंस किसका कर रहे हैं, न्यूट्रॉन्स का। सो ये चीज़ आप याद रखना, आइसोटोप्स के लिए सिर्फ डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि आइसोटोप्स मीन्स एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, दो दिस इज द राइट डेफिनेशन, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब है प्रोटॉन सेम है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब है प्रोटॉन तो सेम है, न्यूट्रॉन्स जो है वो अलग रहेंगे। That is they have same number of protons. Number of protons same रहेगा, इसी पर आपका MCQ बनेगा, but different number of neutrons, लेकिन neutrons जो है वो different रहेंगे। ऐसा काफ़ी atoms के साथ होता है कि उनकी जो है species है, कुछ atomic species है जिनमें atomic number जो है वो same रहेगा, लेकिन protons जो है neutrons जो है वो different होंगे। The chemical properties of isotopes are similar. जो isotopes की chemical properties है वो similar होती है, लेकिन इनकी physical properties जो है वो different होती है। हम chemical properties, chemical chains and physical properties में already lectures में बात कर चुके हैं। Isotopes of carbon. Carbon का isotope. तीन isotopes है carbon के, carbon 12, carbon 13, carbon 14. अब इधर देखो एक चीज़, carbon का atomic number है 6. ये जो यहाँ पर आपको आइसोटोप्स मिल रहे हैं कार्बन 12, 13 एंड 14, इस सिक्स का जो यहाँ पर आपका सिक्स जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिसाइड करेगा। और अगर मैं 12 लिखती हूँ नीचे, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यानी 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर कार्बन 12 में एटॉमिक नंबर जो है इसका 6 है, तो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6। तो नीचे का 12 लिखा है वो मास नंबर डिनोट करता है, और मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, लेकिन प्रोटॉन 6 ही है, तो पीछे कितने न्यूट्रॉन बचे, 6। लेकिन नेक्स्ट जो है कार्बन 13, इसमें जो है आपका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा 6, और यहाँ पर अगेन यही होगा, प्रोटॉन्स जो है 6 ही रहेंगे, लेकिन बाकी जो है आपके न्यूट्रॉन्स रहेंगे। प्रोटॉन आपका वही रहेगा जो आपका एटॉमिक नंबर डिनोट करता है। इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स जो आई बिलीव कि MCQs बन सकते हैं, कि बताइए इस आइसोटोप का क्या काम है और क्या नहीं है, वो मैंने कुछ नोट किए हैं, आप वो देखिए। जो आइसोटोप है यूरेनियम का, ये रेडियो एक्टिव मटीरियल है यूरेनियम, इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उनमें इसे एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, दिस अ रेडियो एक्टिव मटीरियल। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट हमारा एक और एलिमेंट है, कोबाल्ट हमारा मेटल है, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज़ किया जाता है, फाइन। एंड आयोडीन, आयोडीन का जो आइसोटोप है वो ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर के लिए यूज़ किया जाता है। गॉइटर इज़ बेसिकली अ डिजीज़ जहाँ पर आपका जो ये नेक के नीचे ये है, ये जो है स्वेल होने लगता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयोडीन इन योर बॉडी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, आई होप यू इट्स क्लियर विद यू गाइज, एंड इन केस आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो आई गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल, प्लस कीप रिवाइजिंग एंड आई सी यू सून विद न्यू लेक्चर। ऑल राइट, थैंक यू।